लॉक होगा बे अबे सायरन चालू हो गया यार एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी कम हियर यार मजाक कर यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं वीडियो के लिए खास बात बता रहा हूँ अपन एंटी रैंकिंग फॉर्म भर चुके हैं कहाँ भरे हैं बे अभी नहीं भरे नहीं भरे Hi guys, good morning. Welcome back to my new vlog. तो guys, आज का ऐसा सीन हो रखा है कि 9 दिसंबर और अभी मैं ना कॉलेज के लिए तैयार हो चुका हूँ अगर guys, आप लोग चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा नाम अमन है आप लोग देख रहे हो अमन कुमार व्लॉग्स और मिलता हूँ मैं आप लोग को मोटो ब्लॉगिंग में तो guys, मैं निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए और अभी एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ ना मैं सोचा नहीं था उससे भी ज्यादा लेट हो चुका हूँ तो गाइस अभी मेरे को जाना है यहाँ से राइट वहां सामने से जाएंगे ना तो भिलाई नगर स्टेशन आता है और अभी मेरे को जाना है यहाँ से अंडरब्रिज मेला वाले अंडरब्रिज से होते हुए कॉलेज के लिए दादा कहाँ अच्छे से दादा बीच सुपेला और जो सेक्टर वाले एरिया को जोड़ता है यहाँ नहीं जाना है अपन जाना है यहाँ पे पता है मैं एक प्रैंक करने का सोच रहा हूँ जो मैं अपने मोटो ब्लॉग में क्या ही गड्ढा है यार मोटो ब्लॉग से मैं प्रैंक करूँगा मैं सोचा हूँ वो चीज़ अब नहीं पता वो चीज़ को मैं कर पाऊँगा कि नहीं इतना टाइम लगता है वो सब चीज़ भी देखना पड़ेगा ना ये वाला रोड हमेशा मैं बोलता हूँ गाइस यहाँ पे एकदम आराम से चलाना पहले हर जगह देख लेना ये देखो यहाँ से लेफ्ट से भी कुछ भी हो सकता है राइट में भी ध्यान देना लेफ्ट वाला लेकिन ज़्यादा डेंजर वाला एरिया है इस रोड बन गया जिसका मैं कंप्लेन करता था ना पूरे वीडियो में बोलता रहता था कि यार रोड इतना गंदा है रोड इतना गंदा है रोड बन चुका है और ये कौन सा बस डोगी कॉलेज ये कौन सा कॉलेज है भाई गाइस एक से एक कॉलेज खुलते जा रहे हैं भाई यार मेरा आँख में इतना अरे दादा लेफ्ट थूकते हैं लेफ्ट यार राइट में थूक रहे वो इंसान ये दे दे पीछे फेंक के थूका करो भाई अजीब इंसान है यार मतलब सब लोग कहीं भी थूक दे रहे हैं पूरा छींटा आया था मेरे ऊपर मेरे को जाना है लेफ्ट बहुत खराब है पता है ये वाला रोड और यहाँ का ओ एग्जाम है क्या लग रहा है एग्जाम है मेरे को तो लग रहा है तो गाइस अपन कॉलेज पहुंच चुके हैं अपने और अभी अपन कराते जाएंगे और स्टूडेंट हाँ हाँ एग्जाम वाले नहीं हो नहीं नहीं एग्जाम वाले इस कॉलेज पहुंच गया हूँ मैं और अभी मैं जा रहा हूँ मैगी पॉइंट में और रिसेस भी 50 मिनट में हो ही जाएगा तो उसके बाद फिर दोस्त लोग से भी मिलेंगे सब लोग से उसके बाद क्लास भी अटेंड कर लेंगे अभी मैगी पॉइंट में कुछ कुछ काम है फिर वहां से मैं आप लोग से मिलता हूँ थोड़ी देर में मेरे को तो लगा कोई पलट गया कोई कुछ हुआ क्या भाई अरे टेबल वेबल टूट गया साला मेरा टेबल टूट गया अच्छा कोई बैठा था क्या ओबे वो दे फिर हो गया साइड 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 ओबे वे 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 ओबे लाइव नहीं यूट्यूब पे डाले ऐसे लोगों को ना इन्फॉर्म करना बेकार होता है चलो यहाँ से चलते हैं अपन नहीं डाले हैं गाइस वहाँ पे टेबल टूट गया गाइस ये इतना गंदा टूटा है ना चेयर पूरा जगह खाली हो गया चेयर ठीक है चेयर को खड़ा कर देते हैं बाकी सब रेस्ट इन पीस टेबल 2016 टू 2021 आज इसका टेबल गया है यहाँ पे ये भी खत्म होने वाला है देख रहे हैं ये भी साइड से निकल रहे कोई बात नहीं अपने को क्या करना है कैंटीन में बहुत भीड़ रहता है कैंटीन में सच में बहुत ज्यादा भीड़ रहता है क्या हो गया ओबे बे 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 कौन है ये गांजा भैया कौन सा फूके हो क्या चला रहा था वो कहाँ गया आसिफ वो बंदे को खोज भी नहीं बात सही है यार अपन का बिजनेस वाले तेरे को पता है क्या बोलते हैं स्टार्टअप का आइडिया लाओ स्टार्टअप करो उसके बाद फिर कुछ अलाना फलाना ढिकाना करो तुम्हारा बिजनेस खड़ा हो जाएगा ठंडे में है अच्छा फ्रूटी एक दे दीजिए एक और दे दीजिए आंटी एक और भाई दो ही लेना पड़ेगा मैं ये चीज को शेयर नहीं करता हूँ क्योंकि हमारा शक्ल नहीं आ रहा है कैसे बना रहे बस ऐसे वहीं खड़े रहना वहाँ से हिलना मत पर्स आ रहा है कि नहीं मेरा पर्स आ रहा है पर्स आ रहा है
आंटी देख पैसा पैसा को भी दे। आंटी कोई बात नहीं, बस यूट्यूब पे डालेगा वीडियो और कहीं नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री भी देखेगा देखेंगे, रेस्पेक्ट एल्डर्स भाई, ऐसे कभी वीडियो नहीं बनाते लेटा, बस ऐसे यूट्यूब का वीडियो ऐसा बनता है। चलो भाई हमको क्लास दे रहे हो तुम, सब्सक्राइब। ये हमारे स्कूल कॉलेज की बस है जो कि बहुत अच्छी दिख रही है, नाइस बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, लॉक होगा अभी। अभी क्या आया है? अभी सायरन चालू हो गया, ऑफिशियल ग्रुप में कुछ मैसेज आया है। अपन को तीन लड़की लोग दिखे, अपन तीन लड़की लोग को रोके एक्सक्यूज मी बोल के, रूबी वाले भैया ना वहाँ कैंटीन के पास है, यहाँ पे तीन लड़कियां मिली, अकेले के लिए, ये गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज के लिए। नहीं नहीं यार मजाक कर रहा हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे मैं नहीं देने वाला, क्या कर रहे थे आज, तुम नहीं आई हो? नहीं तो रोज आती है, पहली बार दिखी मेरे को, हमको भी ऐसा लग रहा है, हमको भी ऐसा लग रहा है। पॉइंट सही है, पॉइंट सही है, ये बात सही है। अच्छा तुम क्लास नहीं जाओगी क्या? जाएंगे ना। तो टाइम तो हो रहा है, नहीं टाइम है अभी 9 मिनट्स। एक्सक्यूज मी, अरे इसको बुला रहे हैं, मैं नहीं चिल्लाया, लड़की चिल्लाई। चलो वहां से भी आते घूम के, चल लो, हमको कैमरा पकड़ा दिया है फोन। क्या हो जाएगा, तुम लोगों को मैं अलग से पिलाऊंगा। ये अपन का कॉलेज है, ढूंढ रहे पीछे, तुम एक जगह रहो, स्थिर खड़े रहो, फेस नहीं आ रहा, इसीलिए हम उधर है। कैमरा चालू है? हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। हम कुछ तुम ऐसा बोले तो हम सोचने लगे भाई चालू नहीं है क्या, उस टाइम से बकवास कर रहे हैं, उसका पता चल रहा, फिर दोबारा कर रहे हैं अपन। यहाँ पे सीनियर्स लोग बैठे हाँ, बट मैं वीडियो के लिए खास बात बता रहा हूँ, अपन एंटी रैंकिंग फॉर्म भर चुके हैं। कहाँ भरे हैं बे? अभी नहीं भरे, नहीं भरे, वापस चले, वापस चले, नहीं छोड़े। सबमिट कहाँ गए थे उस दिन, क्या क्या नहीं मिला था? अपन लोग अपन का बच्चा, तो जब सबमिट कर लेंगे तब अपन सीनियर से लगेंगे। अरे चलो तुम्हारा फ्रूटी पी आ रहा तुम गाइस, तो मैं ना आसिफ का व्लॉग यहीं तक ही खत्म होता है भाई। लेकिन वो बंदा का जब गाड़ी चलाया, कौन सा वो इनोवो वाला ना, क्यों कॉटा भाई, लेकिन वो अगर गाइस किसी को मार दिया रहता ना, वहाँ पे सब सीनियर थे, वो देख नहीं रहा था उधर, वो साला एकदम पीछे ला रहा है, मतलब थोड़े से नहीं है क्या, नहीं पता क्या देख के चला रहा था, वो किस तरीके से चला रहा था, वो एकदम अजीब तरीके से, नहीं होगा स्टाफ ऐसे नहीं चलाएगा, स्टाफ नहीं होगा, ड्राइवर होगा किसी स्टाफ का, वो तो क्या ही वैसे नहीं चलाएगा, वो कोई लड़का ही होगा जो आया होगा तुरंत भाग रहा होगा पहले। अरे नहीं वो जो अरे अच्छा हाँ यार वो इनोवा तो वहाँ खड़ी है, क्योंकि मेरे को लगा कि वही वाला इनोवा वाला होगा, वही है क्या? नहीं वो नहीं है, दूसरा इनोवा, वो वाला इनोवा तब भी वहीं पे खड़ा था, अब भी वहीं पर है।